सऊदी अरब के पत्रकार जमाल अहमद खशोगी की संदिग्ध हालत में हुई मौत पूरे विश्व के लिए हैरान कर देने वाली खबर है, जिसकी जांच तुर्किस्तान पूरे जोर शोर से कर रहा है। वैश्विक मुद्दा बन चुके खशोगी की मौत को लेकर हाल ही में सऊदी अरब ने बयान जारी किया है। बयान में उसने कहा है कि 2 अक्टूबर को तुर्की के इस्तांबुल में स्थित उसके वाणिज्य दूतावास में झगड़े के बाद खशोगी की मौत हो गई। सऊदी अरब ने खशोगी की मौत की जानकारी तो दी, लेकिन ये नहीं बताया कि पत्रकार खशोगी का शव कहाँ है। उसकी तरफ से दी गई जानकारी से अमेरिका भी संतुष्ट नहीं है। नेवादा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह ऐसी चीज है जिसे हम पसंद नहीं करते। यह बहुत गंभीर बात है, हम इसकी तह तक जाएंगे और पता करेंगे। सऊदी अरब के बयान के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका इस देश के साथ होने वाले हथियार सौदे को रद्द कर देगा, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से 110 अरब डॉलर के हथियारों की डील रद्द करने के मूड में नहीं है। इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता हम संतुष्ट नहीं हैं। प्रतिबंध का विकल्प संभव है, लेकिन हथियार का सौदा रोकने से उनसे ज्यादा नुकसान हमें होगा। आपको बता दें कि जमाल खशोगी सऊदी अरब शासन के बड़े आलोचक थे। वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी अक्सर लिखते थे। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखने वाले पत्रकार खशोगी को आखिरी बार तुर्की स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में जाते हुए देखा गया था। तुर्की अधिकारियों का मानना है कि सऊदी अरब के 15 एजेंट्स ने खशोगी की हत्या कर उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए हैं। फिलहाल तुर्की इस मामले की जांच में जुटा हुआ है।